भगवान शिव जी को प्रणाम करता हूँ और आज भगवान शिव के आशीर्वाद से मेरी पत्नी सुशील कौर पलाड़ा को दोबारा विधायक का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं उसके लिए भगवान के चरणों में सत सत नमन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं को जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करते हुए दूसरी बार हमें मौका दिया। और मैं यहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा तो मेरी मसूदा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनमें आत्मा में एक थी आवाज़ थी कि भंवर सिंह पलाड़ा सुशील कुमार पलाड़ा यहाँ वापस प्रत्याशी के रूप में बन करके आए और उनकी आत्मा और उनकी आत्मा की आवाज़ भगवान ने सुनी, शिव जी ने माँ दुर्गा ने, उसी की कृपा से आज मुझे हमें वापस प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित हम 5 साल तक जो हमने मसूदा की सेवा की है उसी का आज परिणाम है और आगे भी लगातार 5 साल तक जो सेवा करी उसी प्रकार से लगातार आगे भी अगर भगवान शिव जी और शिव की कृपा और जनता के आशीर्वाद रहा तो उसी प्रकार से दोबारा भी उसी प्रकार से सेवा में जनता की सेवा में कहीं भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरी मसूदा की जनता का के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरा देह मेरा मसूदा आगे बढ़े उसी के लिए मैं हर वक्त संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद। और नामांकन तिथि है तो 16 तारीख को 10:15 बजे मसूदा तेजा चौक से, तेजा जी महाराज के चौक से, वहाँ से सब पैदल जा करके वहाँ से SDM कोर्ट तक हम पैदल जाएंगे और वहाँ जा करके नामांकन भरेंगे। ये और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ पूरी मसूदा की जनता से कि आप सब नामांकन में पधार करके और आप मुझे आशीर्वाद दें, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये नामांकन मेरा नहीं है, ये पूरी मसूदा की जनता का नामांकन है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज मुझे दोबारा यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। मेरी मसूदा मेरे लिए मेरी मसूदा की जनता शान है, उसके लिए सब कुछ जनता के लिए हर वक्त संघर्ष करता रहूँगा। 11 तारीख को मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, 16 तारीख को निमंत्रण देता हूँ कि 16 को 10:15 बजे आप सब तेजा 10 बजे तेजा चौक पधार करके और आप आशीर्वाद दें मुझे। धन्यवाद।